नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉस्ट्री में। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले अपन बिहार विधानसभा ग्रुप डी की, जो इंटरव्यू 11 सितंबर से हो रही है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने 11 सितंबर की जो पूछी गई थी क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, तो मैंने उसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिला है। और फ्रेंड्स, आज जो है 12 सितंबर की है, जो एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करी गई थी, जो भी उनसे पूछा गया था। फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ों का डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोग को तो फ़ोन नंबर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को लिए जो है यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ अपने फेसबुक पेज का। आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेसबुक पेज के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है हम उनका हेल्प कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो फेसबुक पेज पे आ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप चूज़ करके वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 11 सितंबर से ही हमसे बात कर रहे हैं, उस पर हम सारे चीज़ जो भी हमसे बन पा रहा है उनका हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो है आप लोगों को के लिए ये जो है वह करेंट अफेयर की क्लास चलाई जा रही है, जो कि पर डे 5 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाती है। तो वो आप लोग पर डे आके देखा करें, क्योंकि 11 सितंबर को जो पूछी गई है लगभग लगभग जो है करेंट अफेयर ही पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, और कल से आप लोग की प्रैक्टिस सेट भी जो है 8:30 पर आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को डेली की अगर जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न अगर चाहिए, उसके क्वेश्चन चाहिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको जो है वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग कि राहुल दत्ता जी के द्वारा जो ये कमेंट किया गया था कि इनके द्वारा क्या क्या वहाँ पे जो है पूछा गया था और क्या सारी चीज़ वहाँ पे ले गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मैंने जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो यहाँ से बात करें कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैं सभी डॉक्यूमेंट ले गया था, लेकिन सिर्फ एडमिट कार्ड ही जो वहाँ पे चाहिए। साथ में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होता है, या ड्राइविंग लाइसेंस, आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और पहले जो है सभी लोगों को बाहर जो है चेयर पे बैठाया गया। ठीक है, 2 घंटे, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 घंटे जो है वहाँ पे स्टूडेंटों को बैठाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 घंटे जो है वहाँ पे चेयर पे बैठाया गया है, और फिर जो है इंटरव्यू जगह पे जो है वह ले जाया गया था। उसके बाद रोल नंबर और अपना नाम लिख के जो है मोबाइल नहीं ले जाना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मोबाइल जो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक की सामान वहाँ पे नहीं ले जानी है। ठीक है, और वहाँ पे जो है उसके बाद जो इंटरव्यू की जगह पे जाने के बाद जो है अपना नाम और रोल नंबर जो वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट दिया जाता है, आपका जो अटेंडेंस बनता है वह थंब सिस्टम के हिसाब से बनता है, ये जो है ऑनलाइन इसकी व्यवस्था की गई है। तो अगर आप लोग का जो वहाँ पे अगर थंब सिस्टम नहीं लगेगा, तो आप लोग का अटेंडेंस जो उस दिन नहीं बन पाएगा, तो आपका जो वहाँ पे जाना और इंटरव्यू देना बेकार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये काम करवाए गए थे, और फिर जो है आपको जो कैबिन नंबर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे जब आपका जो अटेंडेंस बन जाएगा फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, तो आपका जो है रोल नंबर लेके और उसके साथ में जो आपको रोल नंबर और आपका जो है कैबिन नंबर वो दोनों दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बताया जाएगा, और आप उसके बाद जो है आपको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, बैठाने के बाद जो है वहाँ पे उसके बाद जो है आपका नंबर अगर आता है तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूँ उसमें जो है 12 केबिन है। कितने हैं फ्रेंड्स? 12 केबिन है, जिसमें कि बारी बारी से स्टूडेंटों को बुलाया जाता है, और जो है वहाँ पे इंटरव्यू उनसे लिया जाता है। और उस केबिन, एक केबिन में जो है 2 व्यक्ति रहते हैं, जो कि दोनों ही जेंट्स रहते हैं, और आपसे वहाँ पे जो है बारी बारी से क्वेश्चन दोनों पूछते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ऑफलाइन इसकी जो इंटरव्यू हो रही है या ऑनलाइन, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ सारा कुछ जो है इसका प्रोसीजर वो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू जो हो रही है वहाँ पे पूछी जो जा रही है वह ऑफलाइन हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बताते हैं आपको वहाँ पे पूछा क्या इनसे गया था, क्या क्या सारी चीज़ें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इनसे जो पूछा गया था कि
मुझसे मेरा क्वालिफिकेशन पूछा गया था, ठीक है, इनसे जो है इनका क्वालिफिकेशन पूछा गया था, और इनको कहा गया था कि ग्रेजुएशन का जो है वह स्पेलिंग और उसका सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे गए थे उनसे पूछा गया था कि आप ग्रेजुएशन का जो है स्पेलिंग लिखें और उसके बाद जो है उन सारे सब्जेक्टों का नाम लिखें, ठीक है, लिखने को कहा गया था। फिर इंटरमीडिएट का जो है स्पेलिंग लिखने को बोला गया था, ठीक है, और फिर जो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का जो है न्यूज़पेपर वो पढ़वाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूँ ऑफिशियल अटेंडेंट का जो है क्या काम होता है ये उनसे पूछा गया था, क्योंकि ये जो है वह राहुल दत्ता जी वो ऑफिशियल ऑफिस अटेंडेंट के काम के लिए जो है यानी कि उसके पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए थे। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, अपने सारे जितने भी जो मैट्रिक से लेके और आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो सारे सब्जेक्टों का स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रख के कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कौन से क्लास में आपकी रही थी ये सारी चीज़ आप याद करके रखें, और आपका जो है परसेंटेज कितना था, मार्क्स कितना था, कौन से सब्जेक्ट में या कौन से जो है क्लास में आपका कितना था, वो सारी चीज़ें आप भी याद रखें। और साथ में जो भी प्रैक्टिस आप लोग को दिया जाता है और जो करेंट अफेयर दी जाती है उसे अच्छे से आप लोग याद करें, और अपना जो है यहाँ पे जो भी समय बचा उसके हिसाब से आप काम करें, ठीक है। तो आप और एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपसे जो वहाँ पे अपना ट्रेड से जना जैसे जो है इनसे पूछा गया था कि ऑफिशियल अटेंडेंट का क्या काम होता है, जो फ्रेंड्स अगर सफाई कर्मी के लिए जाएंगे तो उनसे वो पूछा जाएगा कि सफाई कर्मी का क्या काम होता है, या कोई क्रम पत्र वितरक के लिए जाएंगे तो उनसे वो पूछा जाता है, या कोई दरवान से जाएंगे तो उनके लिए वो पूछा जाएगा। तो ये ट्रेड के हिसाब से जो है आपको कुछ सवाल जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी फ्रेंड्स। इसी तरह से जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो कल लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोग पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।